अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं ये जो हमने मलाई बनाई थी उसका जो ये खुरजन निकला है उसके हम अब मिठाई बनाना सिखाएंगे। ये जो खुरजन है ये देखिए, ये जो मलाई का जो हमने देसी घी बनाया था उसका निकला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सूजी डालेंगे एक कौली, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। A few moments later. तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है अच्छे से भून गई है। तो अच्छे से भूनना है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए हमारी सूजी जो है बन चुकी है। A few moments later. भून चुका है, अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से खिलाएंगे। दूध डालेंगे, दूध और मलाई। और हम इसमें फ्लेवर के लिए कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अब हम इसको तब तक बनाएंगे जब तक ये सूख न जाएगा अच्छे से। A few moments later. आप देख सकते हैं हमारी जो ये मिठाई तैयार हो गई, काला कांद वाली मिठाई। बस इसको आप 5 मिनट, थोड़ा अभी इसको लगेगा 5 मिनट अभी इसको और पकाना है। आप देख सकते हैं हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्रिज में डालेंगे 5-10 मिनट के लिए। A few moments later. गाइस हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है, देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया और कितनी अच्छी लग रही है, फ्लफी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।